हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड एक्ट टू सीन फोर ऑफ जूलियस सीजर। इट इज द आइडियस ऑफ मार्च। ये मार्च का के बीच का दिन था। आइडियस मीन्स होता है किसी मंथ के में जो बीच के दिन होते हैं। द टाइम इज 9 o'clock इन द मॉर्निंग। सुबह के 9 बजे थे। द सीन टेक्स प्लेस इन द स्ट्रीट इन फ्रंट ऑफ ब्रूटस हाउस। ये सीन जो है ब्रूटस के घर के सामने ये लिया गया है। पोर्शिया अर्जेस ल्यूसियस टू रन इमिडिएटली टू द सीनेट हाउस। पोर्शिया ल्यूसियस से कहती है कि वो जल्दी से सीनेट हाउस की तरफ जाए। एज ही डज नॉट मूव शी टर्न्स टू स्कोल्ड हिम। जब वो नहीं जाता तो उसको डांटने लगती है। बट ही राइटफुल्ली पॉइंट्स आउट दैट शी हैज गिवन हिम नो एरेंड। लेकिन वो कहता है कि उसने उससे कहीं भी जाने को तो कहा ही नहीं। इरेंड क्या होता है? जो स्मॉल जर्नी होती, छोटी यात्रा, उसको कहते हैं। देयर अपॉन पोर्शिया इन्वेंट्स एन इरेंड। फिर पोर्शिया कहती है कि नहीं, तुम जाओ। ही इज टू सी हाउ हिज मास्टर इज एंड ऑब्जर्व व्हाट सूटर्स आर प्रेसिंग अबाउट सीजर। वो कहती है कि तुम जाओ और देखो कि सूटर्स जो है वो क्या बातें वहां पे कर रहे हैं। प्रेसिंग मतलब अर्जेंट, अबाउट सीजर, सीजर के बारे में। द एटमोसफियर इन द सीन इज वेरी टेंस। एटमोसफियर जो है सीन बहुत टेंस है, मतलब सब लोग परेशानी में है। पोर्शिया क्राइज आउट इन टेरर एज शी सीम्स टू हियर ए ग्रेट नॉइज कमिंग फ्रॉम द कैपिटोल। उसको लगता है कि कैपिटोल से जब वो आवाजें सुनती है तो वो बहुत डर जाती है। बट ल्यूसियस अश्योर्स हर दैट ही हियर्स नथिंग। लेकिन ल्यूसियस उससे कहता है कि उसने तो कुछ सुना ही नहीं। दे आर ज्वाइंड बाई ए सूथसेयर। वहां पे एक सूथसेयर आता है। सूथसेयर क्या होते हैं? जो आगे की बातें, जिनको भविष्य की बातें, मतलब वो उनको पता होती हैं, भविष्यवाणी जो करते हैं। हु टेल्स हर दैट सीजर हैड नॉट येट गॉन टू द सीनेट हाउस। वो कहता है कि अभी तो सीजर सीनेट हाउस गया ही नहीं। ही इज वेटिंग फॉर सीजर विद ए पेटिशन दैट शैल बेसीच हिम टू बी फ्रेंड हिमसेल्फ। वो सीजर का वेट कर रहा है। एक पेटिशन क्या होता है? डॉक्यूमेंट्स होते हैं। That shall beseech him to be friend himself. Beseech मतलब क्या होता है? जिसमें वो उससे विनती करता है सीजर से कि वो उसके साथ फ्रेंडली हो जाए। बट द soothsayer विल एड नथिंग डेफिनेट ऑफ वॉट नॉलेज ही हैज। लेकिन soothsayer और कुछ भी नहीं बताता उसको, मतलब जो जो उसको पता था उसके बारे में, और वो कुछ बताता नहीं है। ही देन मूव्स ऑफ टू ए मोर कन्वीनियंट स्पॉट। अपनी कन्वीनियंट जगह पे जाता है जहां पे वो ही होप्स टू स्पीक, जहां पे उसको आशा कि वो ये कहता है कि स्पीक टू ग्रेट सीजर एज ही कम्स अलोंग विदाउट गेटिंग क्रश्ड बाय सीजर्स फॉलोअर्स। जहां पे वो सीजर अकेला है और उससे वहां पे कुछ कह सके। पोर्शियास फियर इंक्रीजेस एज शी हियर्स ऑफ द सूथसेयर्स इंटेंशन। पोर्शिया का फियर जो है बढ़ जाता है जब वो सूथसेयर के बारे में, सूथसेयर की बातों को सुनती है कि मतलब सूथसेयर जो अकेले में कुछ बात करना चाहता है सीजर्स से, तो उसका जो है फिर और बढ़ जाता है। एंड शी ऑलमोस्ट लॉसेस हर सेल्फ कंट्रोल एज शी विस्पर्स। वो अपना सेल्फ कंट्रोल खो देती है। विस्पर्स मीन्स क्या कहते हैं, मतलब जैसे वो गाने में था कि आप धीरे धीरे वो कुछ कह रही है। ओ ब्रूटस द हेवंस स्पीड दी इन थाइन इंटरप्राइज। वो कहती है कि हेवंस स्पीड दी इन थाइन, तुम्हारे जो काम में वो हेवन की स्पीड है। Then she catches sight of Lucius watching her suspiciously. वो देखती है कि Lucius उसको बहुत ही मतलब संदेह वाली नजर से देख रहा है। And gives him the excuse that Brutus has a written request which Caesar refuses to grant. और gives him the excuse. और उसको ये excuse देती है कि ब्रूटस ने एक रिटर्न रिक्वेस्ट जो है लिखी थी, जिसको सीजर ने क्या किया था, रिफ्यूज कर दिया था। एज पोर्शिया गोज इनसाइड, जैसे पोर्शिया अंदर जाती है, शी इंस्ट्रक्ट्स द सर्वेंट टू रन टू ब्रूटस विद हर गुड विशेस। वो सर्वेंट को कहती है कि वो ब्रूटस के पास जाए विद हर गुड विशेस, उसकी शुभकामनाओं के साथ। पोर्शिया की शुभकामनाओं के साथ वो ये कहती है कि तुम ब्रूटस के पास जाओ। Okay, students, that's all for the day. Thank you.